दावा करो यूपी का खेती। हाँ भाई यूपी का खेती देखिए। हाँ नहीं दिखा वो इधर है नहर बड़ा सा, बहुत इंजॉय है, बारिश अभी वो गिर गया है, ठंडा हो गया। ये क्या है? चालीस किलोमीटर दूर नाना के घर पे अभी जा रहे हैं। घर पे अभी है गांव का रास्ता और ये है यूपी का रास्ता, बहुत प्यारा रास्ता, हंस का बिल्कुल नहीं लगता है, सुकून वाला रास्ता, सुकून का रास्ता है भाई। आइएगा कभी भी यूपी घूमने। भैंस में तालाब ना आ रही है, भैंस में तालाब ना आ रहा है। देखिए कितना प्यारा भैंस में तालाब, मैं अभी देखा, हाँ मैं अभी देखा है, नहीं तो पहले ही नज़ारा करा देते। वो बगीचे में गांव है, बगीचे में गांव आ गया है, गांव के बाहर बगीचा है। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत रास्ता है भाई,
जरा सा गड्ढी गुड्ढा नहीं है, मट्टी तो बिल्कुल नहीं दिखता है, सिर्फ चले जाओ आँख मूंद के। गांव का बकरी है, गांव का बकरी नहीं है, बकरी का गांव है। हाँ, बकरी का गांव है, गांव का नाम बकरी है। और ये है कैलासा नहर, पूरे यूपी में फैलेला भाई, इधर भी जाओ उधर भी फैलेला। ये देखिए प्यारा सा झाड़, ये कादराबाद का रास्ता है, अभी इधर से 30 किलोमीटर दूर जाना है, ऐसे सारे रास्ते हैं। मौसम है, देख यहाँ से नाना के गांव गए थे, यहाँ ब्रिज पे हम लोग बैठे थे, वहाँ नीचे उतर का फोटो खींचे थे। ये रोड एकदम वहाँ एक नंबर का बन गया, देख मैं की मुस्कान, वहाँ जबरदस्त रोड बनेगा। यहाँ से नदी आता था, यही नदी यहाँ से आता है, यही नदी यहाँ को भी जाता है, ये कमाल देखो। यही नदी यहाँ से आता, यही नदी यहाँ से नहीं बाबा, ये नदी यहाँ से आता है ना, और वही नदी यहाँ से भी जाता है, देखो ये देखो, कोई चेंजिंग नहीं है। ये यूपी का गोनी है, यहाँ का परंपरा। सब लोग नीचे ना आइए, यही होता है। अबे 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 नींबू का झाड़ बटक मुर्गी के बच्चे इधर उधर आम का झाड़
डांस कर रहा है। डांस कर 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 और कर और हाँ और कर और कर और थोड़ा फिर से चल। हाँ फिर से तू भी कर। चलो करो करो। वाह डांस कर रहा है। डांस थोड़ा इधर थोड़ा उधर करो करो। ये जो काला वाला है ये तो फाइटर बोलते हैं। फाइटर उसका गोश्त अंडा और खुद काला है। बहुत महंगा बिकता है ये। इसको क्या बोलते हैं फाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग कहाँ डिवाइडर बात करते हैं। एक वो काली मुर्गी सब अलग अलग नस्ल की मुर्गियाँ हैं। एक वो मुर्गे को बक 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 भाई 15 का घर है ये। इसमें काली ये लोग रहते हैं। मौसम है घर का काम बाकी मेंटेन करने का बाकी। बाकी तो सब हो गया। ये देखो क्या मस्त हवा चल रहा है। ठंडा ठंडा हरियाली यहाँ रहती मुर्गियाँ। एक गांव की हरियाली है। आम का झाड़ है। मुर्गी का घर यहाँ से लेके तोता डांस। हाँ डांस सीटी मारो। मिट्टू मिट्टू
मिठू 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 लड़ो मिठू 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 लड़ो मिठू 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 तो कहाँ लटक के डांस कर रहा है? दिखते दिखते हाँ डांस कर डांस कर डांस कर जहाँ तक देखो पूरा हरा 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 नजर आता है, सब धान का खेत गन्ने का खेत यही सब है। यही सीढ़ी से ऊपर आने का और यही सीढ़ी से नीचे जाने का, दूसरा सीढ़ी नहीं है बाबा। सोल्डर जिससे करंट पैदा होता है, इन्वर्टर भी लगा है सोल्डर भी लगा है, धूप प्रेशर रहेगा इससे करंट पैदा होगा। अरे इतना बड़ा है ये, वो छोटा सा कबूतर का घर, कबूतर लोग वहाँ बैठे हैं। ये गांव है पीछे साइड में, नींबू पूरे पूरे गुच्छे के गुच्छे देखो, नींबू नींबू ऐसा गुच्छा, ऐसे जगह जगह गुच्छा लगा हुआ है चारों तरफ से। ये क्या मालूम काय का झाड़ है इधर उधर, इसके अंदर भी ये देखो, यहाँ देखोगे तो नींबू 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 कितने सारे, दो तीन गोनी तो तोड़ के लेके गए। यहाँ भी है यहाँ भी है, अब्बा के इंतकाल में आए जब भी सब जो आता है बस तोड़ के ले गया था, झोला भर भर के ले जाते थैला भर के। ये देखो नींबू नींबू गुच्छा गुच्छा लगा रहता है। ये बाहर आ गए देखो, ये डिजाइन पूरा बनाए थे
इधर भी पूरा डिजाइन बनवाए थे दरवाजे का, इधर सब उखड़ गया है, वापस से सही करना पड़ेगा सब। ये घर का बाउंड्री है, इसके अंदर घर है, इसमें सब मुर्गी रहती है 15x30 के रूम में। ये छोटा सा तालाब था, अभी ख़त्म हो गया। अब्बा पहले ऐसे मैट्रेस पे रहते थे वॉशरूम करने के लिए। यहाँ बकरियाँ बांधी हुई है, वो देखो पक 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 पक। ये देखो गन्ने का झाड़ है, धान का झाड़ है, ये तो खैर आम का झाड़ है। यहाँ भी गेट बना रहे, ये भी आधा अधूरा भी कंप्लीट नहीं, उधर का भी अधूरा है। यहाँ कोई रहते ही नहीं, इसलिए कोई बनाता है ही नहीं होता। ये देखो सोचे इस साल फिर बनाने, थोड़ा बहुत घर का मेंटेन काम करना, जैसे किचन मेन दरवाजे का। ये देखो पक 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 मुर्गी का घर। बत्तख है, बत्तख बाहर भी घूमते, तालाब में भी रहते, वो लोग तालाब में भी तैरते, खाते, मच्छी पकड़ते ये लोग, ये ना बत्तख। ये तो खैर मुर्गी है सर। तो अलग अलग नस्ल की मुर्गियां हैं इसमें। ये वाली जो मुर्गी है ना, ये वाली है, इसका अंडा मिलता है 100 रुपये का, 150 रुपये का, खाली एक अंडा यहाँ पे। ये वाली मुर्गी है, तो ये तीनों अलग है। हाँ यहाँ पे देखो ये मुर्गी है ना, एक दो तीन, और एक उधर नहीं वो अलग है, तीन ये है, ये तीन अलग नस्ल की। इनका जो मुर्गी का, ये जो तीनों मुर्गी का अंडा रहेगा ना, ये वाले एक इधर है, 150 रुपये का एक अंडा, 100 रुपये का अंडा यहाँ पे मिलता है। और ये वाली मुर्गी जो है, ये छोटी वाली है ना, छोटी वाली, ये उसका खून, अंडा, गोश सब काला। कौन सी नस्ल की क्या मालूम। ये वाली मुर्गियाँ, इनका 100-150 रुपये का एक अंडा आता है यहाँ यूपी में, मुंबई में मैं शायद तो मिलेगा ही नहीं। ये अलग नस्ल की है देखो, इतनी लंबी चौड़ी दिखती है, ये बच्चा है लोग, जब बड़े होंगे तब देखने का। देखो ये तित्तर के जैसा दिखती है, इसका भी मुर्गी है अलग, इसका अंडा, इसका भी महंगा आता है, लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार की एक मुर्गी रहती है। देखो ये नस्ल की, ये वाइट वाली है ना, वो भी बच्चे हो गए। अब इसमें खाली एक मुर्गा है, ये एक वो देसी मुर्गी है, ये वाली, बाकी ये सब अलग मुर्गी है, देसी नहीं है। इन लोग का सब महंगा रहता है, वो मुर्गी, ये वाली, ये वाली तो देसी है, ये है वो है, ये वाली देसी मुर्गी है। एक ये जो वाइट वाली घूम रही है इधर, ये भी देसी है। वो जो काली वाली है वो भी देसी है, बाकी सब अलग नस्ल के सब। ये देखो ये एक देसी मुर्गी है,
वो भी अलग है। खाली मुर्गा जो देसी मुर्गा है ये तो पूरे बतख हैं। बतख कबूतर सब पाल के रखे हैं, बकरे ये काली वाली जो है ना, ये इसका गोश अंडा मुर्गी पूरा खूनी से पूरा पूरी काली है समझ लो। तो सब कुछ काला रहेगा, गोश अंडा खून पूरा काला है। पकड़ो 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 इन लोग को पकड़ो। ये देखो देखो ये देखो दरवाजा खुला। ये देखो ये देखो ये देखो झाड़ है वो मस्जिद है, बहुत पुराना झाड़ सूख गया पूरा। पीपल का झाड़ ये गांव है, गांव इसको बोलते गांव। दिख रहा है पूरा हरियाली। यहाँ आओ तो काले पीले हो जाओ। देखो इसमें भैंस का चारा रखते हैं, भूसा घास भूसा बोलते ना इसमें रखते, ऐसा ढक के रखे। धान का खेत है पूरा, काली धान गेहूँ धान और गन्ना यही दिख रहा है। पानी चलाने वाली मशीन से खाद बनाते खेत में डालते। क्या कर रहे हो भाई इधर? खाली हरा हरा तो नजर आ रहा है। और गर्मी फिर भी है, हरियाली इतना लेकिन गर्मी फिर भी है। हरियाली इतना
क्या कर रहे हो इधर? इधर तुम कर क्या रहे हो? इन लोगों को घास खिला रहे हो? खाली हरा हरा है लेकिन गर्मी दबा के लगता है। ये देखो बकरी के बच्चे। खा लो खा लो। अरे खाली आवाज़ करोगे आओगे ऊपर वाले। बहुत जोरदार बारिश, सड़कना धड़कना भड़कना। अरे बाबा Thank you.